और ये तो मेरा एक, हमने ये पूरा ये सोच रचाया था बचपन से ही, माता जी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग अलग जीव जंतु का सेवा कैसे करें। तो बचपन से ही मेरे घर में माता जी, मेरे से पहले जब वो छोटे थे, उन्होंने 20-25 कुत्तों को पाला था घर पे। और मुंबई के लिए वो तो बहुत बड़ी बात होती है, 20-25 कुत्ते घर पे फ्लैट में रखना। सेंटा क्रूज में रहते थे वो उनके शादी से पहले। और माता जी ने मुझे सिखाया कि जो बेजुबान जानवर है उसका सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी पुण्य वाली सेवा है, और वही धर्म है, और वही एक ऐसी चीज है जो आदमी को बहुत सारा पुण्य प्राप्त करा सकता है। तो इस विचार से हमने ये काम बचपन से चालू, बचपन में हमने डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो पालतू जानवर है, गाय भैंस बकरी मुर्गियाँ खरगोश जो सुअर, सबसे हमने चालू की थी। मुंबई में करजत में 100 एकड़ में हमने उस समय 1 लाख पालतू जानवर का चालू किया था। फिर हम सोचे जामनगर कैसे आना हुआ? मतलब आप कह रहे हैं कर्जत में थे, मुंबई में सब कुछ आपके पास था, माँ ने बचपन से एक एक पूरा बेस बनाकर रखा था, अनंत अंबानी जामनगर कैसे आ गए? तो मेरे दादाजी और मेरे जो दादी जी है, दादी जी जामनगर के हैं। तो दादाजी ने एक सपना सोचा था कि हम जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी बनाए। पिताजी ने वो सपना साकार की दादाजी की। पिताजी ने यहाँ खुद जामनगर में 10 से 12 साल रहकर ये रिफाइनरी बनाई जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। अब यहाँ न्यू एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है जानवरों के लिए। इसके लिए सोचा माताजी ने, मेरे माताजी ने जामनगर में 1000 एकड़ पर एक जंगल खड़ा कर दिया। आप तो एयरपोर्ट से आए होंगे तो आजू बाजू में आपने देखा होगा कि पूरा बंजर जमीन है, बट यहाँ आप देखोगे तो आपको झाड़ ही झाड़ देखा जाएगा। तो माताजी ने ये पूरा बहुत मेहनत की 1995 से। बचपन से मेरा घर यही है, मैं जितना मुंबई का हूँ उतना जामनगर का हूँ। तो हम यहाँ बसे, तो माताजी ने तो यहाँ पूरा एक टाउनशिप बनाया, हमारे जो कर्मचारी है उनको रहने के लिए ऐसे टाउनशिप बनाया जैसे आप अगर वहां जाओगे तो आपको लगेगा आप कैलिफोर्निया में, आप तो देखे ही होगे अरे कैलिफोर्निया में यहाँ पे है। टेम्परेचर जो है वो गिर गया है, जी और मैंने कुछ लोगों से बात की है, उन्होंने कहा है अब हरियाली दिखती है हर जगह पर। हमने टोटल यहाँ 8.5 करोड़ झाड़ लगाए हैं 8.5 करोड़ माताजी और पिताजी ने। 8.5 करोड़ रिफाइनरी तो है ही, बट साथ साथ में यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा भी बनाया गया है। अनंत अंबानी ने ये कब सोचा कि यहाँ पर तो जब मेरे पापा हमें हमेशा जंगल ले जाते थे, रणथंबोर, गीर, बांधवगढ़, काजीरंगा, पेंच, हम सब बचपन में जंगल, पापा खाली एक एक ही समय पापा हमें छुट्टियां में लेके जाते थे, वो जंगल होता था, हम और कहाँ छुट्टी जाते ही नहीं थे, जंगल। तो हमें वाइल्ड लाइफ से बहुत प्रेम था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया और मैं समझता गया, मैंने सोचा कि वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए। मैं मेक्सिको गया तो मेक्सिको में तो सर्कसेस अभी भी अलाउड थे। मेक्सिको में ऐसे थे कि शेर के लिए खाना नहीं था और शेर भूखे मर रहे थे। तो मैं सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। भारत में जो फार्म एनिमल्स जिसे हम कहते हैं उसके लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत कम लोग हैं। मैंने इसीलिए वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करने का सोचा। तो जब अनंत अंबानी के मन में ये विचार आया तो वो पहला शख्स कौन था जिसे आपने जाकर ये बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, और उसका रिएक्शन क्या था? मम्मी थे, मम्मी मम्मी को मैंने बताया तो मम्मी ने पहले कहा कि इसलिए आपको टीम जरूर, अकेले आप नहीं कर सकते हो तो आप एक टीम खड़ा करिए। पापा के पास गया तो पापा ने बोला कि अगर करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा करिए, करना है तो जो भी करना है दुनिया का सबसे अच्छा होना चाहिए तो ही आप करिए, और इससे जानवरों का भला होना चाहिए। अगर आप जानवर का भला के लिए करना चाहते हैं तो जानवर, बट करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा। तो मैंने उस तो ये से दुनिया प्रेरणा का ली, सबसे अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की। आपने तो पूरा घुमाई होगा, मैं आप अभी तो मैं दुनिया का अच्छा बोल, क्योंकि अभी तो आप खाली 10 या 25% ही खत्म हुआ है। कितना बड़ा ये इलाका है, यहाँ हमने कितने आप जानवर लेकर आए हैं, कितनों को बचाया आपने? अभी तक हमने ये 2000 से 2500 एकड़ में बनाया है रेस्क्यू सेंटर। यहाँ का हॉस्पिटल जो है इसमें 6 सर्जरी सेंटर्स हैं, इन पेशेंट वार्ड है, आउट पेशेंट वार्ड है, MRI मशीन है,
जो मेरे हिसाब से इंडिया में एक ही है, सीटी स्कैन है जानवरों के लिए, रोबोटिक सर्जरी मशीन्स है, लैब है जिसमें 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं और लैबोरेटरी स्पेशलिस्ट भी यहाँ काम करते हैं। लेकिन कितने जंगली जानवरों को आपने रेस्क्यू किया है? अब तक हमने यहाँ 25,000 से ज़्यादा जंगली जानवरों को रेस्क्यू किया गया है और हमें बहुत सारे जानवरों का ध्यान भी रखा गया है। हम यहाँ से टीम्स पूरे भारत में सब जगह भिजवाए, जूज में भिजवाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, बहुत सारे अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमने मदद की, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और मैं देश के हर एक फॉरेस्ट अधिकारी, उनके कर्मचारी से अधिकारी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके कारण हमारे जंगल बचे हुए हैं। अनंत जी, मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी उम्र के जो नौजवान हैं उनका पैशन, उनका शौक वो बहुत अलहदा होता है। मतलब किसी को कार रेसिंग पसंद है, किसी को अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाकर अपना अपना सब कुछ बसाना पसंद है। आप जामनगर आ गए? मैं जामनगर में ही। आप लोगों के साथ कम और जानवरों के रेस्क्यू में? मेरा जान जानवर ही है, मैं जानवर के लिए ही जीता हूँ। और ये मैं कुछ भी हो जाए, दिन में 2 घंटा मैं जानवर, रोज हर दिन 2 घंटा जानवरों के लिए मैं काम करता हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं कितने जानवर को दिन में बचा सकता हूँ। मैं सोने पहले आज कितना का मैंने भला किया और मैं कितने का भला कर सकता हूँ, और इससे मुझे अच्छे से नींद आ जाती है, तो मेरा अच्छा से नींद। और मैं ऐसे तो मैंने ये काम शुरू किया 8, अभी मैं 28 साल का हूँ, मैंने 8 साल की उम्र से ही ये काम चालू कर दिया था। और स्कूल से छुट्टा था तो मैं इधर ही करता था। और जो मेरे दोस्त है वो भी जानवर प्रेमी है, और मेरी जो अभी होने वाली पत्नी है राधिका, आपको बहुत सारी मुबारकबाद सबसे पहले तो। और आप तो शादी भी जामनगर में ही कर रहे हैं जी, तो पूरी दुनिया को आप यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे दादी जामनगर के हैं। हाँ, मेरे दादी जामनगर के रहवासी है, और मैं शादी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका घर यहाँ है। और हमारा भी, हम गुजरात के हैं, महाराष्ट्र भी, तो हम, ये तो प्री वेडिंग यहाँ हो रहा है, शादी तो मुंबई में होगा। तो आपकी होने वाली धर्मपत्नी आपके इस प्रोजेक्ट को कितना सराहती हैं, कितना उनका योगदान है, वो क्या कहती हैं? वो भी एक बहुत बड़े जानवर प्रेमी हैं, और वो कभी भी ये नहीं बोलती है कि आप, क्योंकि बहुत समय, मेरे पास समय ही नहीं बचता है, काम के बाद मैं इस पर लगा रहता हूँ तो इस पर लगा, तो वो साथ साथ में मुझे मदद करते हैं। अगर कोई जानवर बीमार है तो हमारे जो वैद, जो हमारे पशु वैद है, उनसे बात करना, कभी कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मैं मौजूद नहीं रहता हूँ यहाँ, तो वो खुद पशु वैद्य से बात कर लेते हैं, वो खुद हमारे जो ट्रस्ट के मैनेजर्स हैं उनसे बात करके फीडबैक लेते हैं, और वो खुद, कोई कोई हाथी है जो उनको आवाज़ से पहचानते हैं। हमने बहुत सारे हाथी रेस्क्यू किए हैं साथ में, और बहुत सारे हाथी राधिका को आवाज़ से पहचानते हैं। और उससे ज़्यादा मेरी जो मम्मी है वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया, और वो खुद, मतलब मम्मी ने हमें, जब कबूतर मांझा से कट जाते थे तो मम्मी, जब हम छोटे थे, मम्मी उनको घर पे लाते थे, मम्मी पालते थे, उनका पोषण करते थे। मम्मी ने घर पे एक बाज का बच्चा, जब छोटा था, गिर गया था झाड़ से, उसको भी बड़ा किया और छोड़ा। मम्मी ने हमें नीचे घर पे, हमारे बहुत बिल्ली होते थे, उनके रोज दूध, हम सब बच्चे लोग, मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, सब दूध लेकर जाते थे। तो हमारा दुनिया ही जानवर, इसके लिए हम हमारे दुनिया में मस्त है। आपने जो गजराज, और देखिए साक्षात गणेश जी जो हैं उनकी मूर्ति आपने यहाँ पर स्थापित की हुई है, सैकड़ों हाथी जो है आपने रेस्क्यू किए हैं, आप अलग अलग इलाकों से रेस्क्यू करके वाइल्ड कैट्स को भी लेकर आए हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रोजेक्ट, टाइगर को ले लीजिए, जो कीनिया से चीता लाए गए थे उनको, प्रधानमंत्री तो हम सबके लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने जो भारत के लिए किया है और जो वाइल्ड लाइफ के विषय में किया है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया है कि चीता प्रोजेक्ट को सफल किया, प्रोजेक्ट लायन जो गिर में है, जो एकदम दुर्लभ है, उनके कारण सफल, उन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था। और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं, अगर हम उनका 0.5% भी जानवर के लिए करें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, कर सकते हैं, हम भी जितना हमारे से होता है हम जानवर के लिए करते हैं। और उनका जो उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो कुछ अलग ही महसूस होता है, एक अलग ही पावर आ जाता है कि हम और कुछ करें। जब भी हम उनको टीवी पे सुनते कि प्रोजेक्ट लाइन है, जब वो चीता आए तो बहुत खुशी हुई।
तब आपने रिलेट किया था इस बात से? क्योंकि बिल्कुल, ये तो हमारा एक सपना साकार हुआ। हमारे चीते जो भारत से चले गए थे, जो भारत से एकदम एक्सटिंक्ट हो गए थे, उनको वापस लाना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो उन्होंने किया, ये एक बहुत काबिल-ए-तारीफ बात है। अनंत अंबानी का पैशन पूरे देश को समझ में आ गया है, लेकिन इस पैशन को क्या और आप पर देंगे, और इसका कोई मुकाम है या जामनगर तक ये सीमित रहेगा? तो हम जामनगर में एक ऐसे केंद्र बनाना चाहते हैं कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ से करें। हम यहाँ से जितने भी हमारे वेद, जो पशु वेद है, उनको हम पूरे भारत में भेजें, यहाँ सिखा कर कि भारत में ऐसे। हमारा ये मकसद रहेगा कि एक भी इंडेंजर्ड जानवर बीमारी से ना हमारे कैप्टिविटी में, और जितना हो सके उतना हम दूसरे को मदद करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। भारत में 150 से ज़्यादा चिड़ियाघर है, हम उन सबको जितना हो सके उतना सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो दुनिया का नंबर वन बने और भारत इसमें एक लीडिंग स्ट्रेटजिस्ट बने, और भारत में हम चालू करें कि वाइल्ड लाइफ कैसा, तो इसमें बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हम ये चाहते हैं कि जामनगर एक ऐसा हॉस्पिटल, लैब आपने तो देखा, ऐसे एक बने कि जहाँ हो गया, और रेस्क्यू सेंटर हॉस्पिटल जैसे आपको हमेशा बढ़ता रहेगा, जैसे ज़रूर होगी उस हिसाब से हम बढ़ेंगे और बचाव का कार्य में करेंगे, और जैसे भगवान हमें शक्ति देंगे उस हिसाब से करेंगे जो मंजूर। मुझे पूरा यकीन है कि आप जो इंस्पायर हुए हैं अपनी माँ से, आप चाहेंगे कि ऐसे लाखों अनंत पैदा हों हिंदुस्तान में। जी, लेकिन उसके लिए आपको इंस्पायर करना भी ज़रूरी है। तो एक आम आदमी जो ये जानना चाहता है, देखना चाहता है कि आपने किस तरीके की फैसिलिटी बनाई है, वो आ सकता है यहाँ पर? जी बिल्कुल। अब हम जैसे जानवर थोड़े सेटल हो जाए, हमारा जूलॉजिकल पार्क खुलेगा, हमारा हॉस्पिटल के लिए हम एक विजिटर गैलरी बनाएंगे, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये बिल्कुल सेवा का कार्य है। जैसे मैंने आपको कहा, ये प्राणी संग्रहालय नहीं, ये प्राणी सेवालय है। तो हम यहाँ लोगों को, यहाँ उनको एक अलग प्रेरणा से भावुक होकर कुछ जानवर के लिए करने ज़रूर बुलाएंगे। और हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि हम कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे के लिए एक एडुकेशन हब यहाँ तैयार करें कि उनका विजिट कराए, और इस पर काम चालू है, और जल्दी ही जनता इसका लाभ ले पाएगी। हिंदुस्तान हमेशा से इस बात पर फक्र करता है कि वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल में यकीन रखता है। आपने जानवरों के लिए भी इनफैक्ट जामनगर को एक वसुधैव कुटुंबकम का हब बना दिया है। जी, अगर ये कहूँ मैं तो गलत नहीं होगा। सनातन ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। आप अगर देखोगे तो हमारे रिलीजियस हैं। जी, भगवान जो भी है, भगवान के कारण हम सब है। श्री कृष्ण कहते थे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और श्री कृष्ण के सबसे प्यारे होते थे गाय, हाथी, घोड़ा। और हमारे हर एक देवता या देवी, हर एक का वाहन जानवर होता था, हर एक का प्रिय भी जानवर, सरस्वती मोर पंख और मोर सरस्वती के साथ। हमें सनातन से ये एक, मुझे ये सीख मिली है कि हर एक जान एक है, मनुष्य हो या पक्षी हो या एक जानवर हो या हाथी हो, कुछ भी एक है। और सेवा करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं भगवान से बहुत धन्यवाद मांगता हूँ और भगवान का बहुत आभार हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे जानवरों का सेवा करने का मौका दी। और ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुश नसीब की बात है कि मुझे भगवान ने ये सेवा करने का मौका दिया। और वो चीज़ आपकी आंखों में चमकती भी है, आपकी बातों में झलकती भी है। आप, हमने देखा कि आप कैसे एक एक शख्स को यहाँ पर बनी चीज़ों को दिखा रहे थे। आप इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहे, और ये जो सेवा भाव है, ये जो आपने सेवा लय जानवरों के लिए, खासकर वो जो हमेशा से बेड़ियों में रहे हैं, उनको आज़ाद किया है, उनको आगे बढ़ाया है, उसके लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं। और अपना ख्याल रखिएगा, और उन तमाम जानवरों का जो हमेशा से परेशान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।